हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है ना, यानी कि वो बेंड हो जाता है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितना ज़्यादा बेंड होगा वो डिपेंड करता है उस मीडियम के एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह के आइडिया देता है हमें। ठीक है, पहला आइडिया तो ये देता है कि अगर एयर से किसी मीडियम में गया तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट उतना ही बेंड होगा, उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें लाइट का जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही स्लोअर स्पीड हो जाएगा लाइट का उस मीडियम में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो तरह के आइडिया देता है। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, फिर समझेंगे कि उसकी वैल्यू जो होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो पहले कहा जाता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन द मीडियम। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी मीडियम के लिए डिफाइन करता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको हम लोग सिंबल देते हैं म्यू, इसको लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो डिनोमिनेटर में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी का जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर जैसे ग्लास की बात करें, है ना, फॉर ग्लास एक मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका होता है 1.5, है ना। तो अगर मैं म्यू का वैल्यू 1.5 रख दूं, सी का वैल्यू रख दूंगा 3×10⁸, तो V का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ग्लास में जो लाइट का स्पीड होगा वो कितना होगा यहां से फाइंड किया जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये देखेंगे आएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हो गया ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड आ गया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये एक और तरह का आइडिया हमें देता है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बताता है कि कितना लाइट बेंड होगा। इफ लाइट enters in a medium from air, then it will deviate more when रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
विल बी हायर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा लाइट जो है वो बेंड होगा, ठीक है, ये दूसरा चीज ध्यान में रखना है। तो ये जैसे मैंने अभी जो डिफिनीशन लिखाया वो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि जो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिलेटिव में या वैक्यूम के रिलेटिव में। कई बार क्या होता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिलेटिव में भी फाइंड करते हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं, उसी तरह से एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिलेटिव में फाइंड करते हैं, है ना, ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक्चुअली में होता है 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, है ना, तो ये हो गया एक्चुअली में 4/3। उसी तरह से अगर हम चाहें कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिलेटिव में फाइंड करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास भी एक मीडियम है वाटर भी एक मीडियम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और जो ग्लास है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, है ना। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 8/9, तो ये हो गया ग्लास का के रिलेटिव में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई चाहे तो इसका उल्टा भी निकाल सकता है, कोई कहेगा कि मैं तो निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये सिंबल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 यानी 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, है ना, तो ये देखेंगे आ जाएगा 9/8, है ना। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़े बहुत जानकारी थी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इसका ध्यान रखना है। अब इससे ज़्यादा चीज़ें IITJEE में नहीं पूछी जाती हैं, ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड वो बोर्ड में पूछी जाती हैं, स्कूल में पूछी जाती हैं, IITJEE के लिए जो है वो इतना जानकारी बहुत ज़्यादा है।